और हम करणी माता मंदिर जा रहे हो तो वो है रोप वे, देखो वो दिख रहे होंगे आपको, उसी में जाएंगे और आपको अंदर आते ही मिलेंगे भाई सफेद चूहे। यहाँ पे भाई रानी नहाती थी, रानियों के लिए बनवाया गया था। चैनल को सब्सक्राइब करो भैया, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसा करने से जन्मों के पाप धुल जाते हैं, और जो बिना सब्सक्राइब किए हमारा वीडियो देखते हैं उनके पापों का हिसाब रखने के लिए खुद चित्रगुप्त ने सेक्रेटरी रखा हुआ है। राम राम भाई सारा ने, स्वागत आपका अपने चैनल वेदी ब्लॉग्स में। मैं हूं आपका होस्ट 33 वेदी। मैं फिलहाल हूं भाई उदयपुर राजस्थान में, पहाड़ों की वादियों में, जन्नत में, और भाई फिलहाल मैं खड़ा हूं करणी माता मंदिर। करणी माता मंदिर, यह मंदिर राजस्थान राज्य के उदयपुर में है, जिसे श्री मनसा पूरण माता मंदिर कहते हैं। यह मंदिर मचला मगरा नामक पहाड़ी पर स्थित है। करणी माता मंदिर का निर्माण महाराजा करण सिंह ने करवाया था। इस मंदिर में 25,000 से अधिक चूहे हैं, जिन्हें काबा के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के पास कोई वाहन नहीं जाता, इसलिए वहां प्रदूषण नहीं है। हमें अगर मंदिर जाना है तो उड़न खटोला से जा सकते हैं, जिसे हम रोपवे भी कहते हैं। जिस भगत को पैदल जाना है उसके लिए बहुत अच्छा मार्ग बना रखा है। व्यू देखो पहले आप, और हम करणी माता मंदिर जा रहे हो तो वो है रोपवे, देखो दिख रहे होंगे आपको, उसी में जाएंगे। बोलते हैं कि ऊपर से ना बिल्कुल सारा उदयपुर दिखता है। क्यों दिखता है भाई, देखो सारा ऊपर तो, सबसे ऊपर तो वो है करणी माता मंदिर। और भाई जो रोपवे की टिकट है वो है, एक तो 110 रुपये है ओनली रोपवे, और एक 194 वो है, उसमें 3D फोटो आपकी हो जाएंगी, कुंभ पैक उसमें रोपवे हो जाएगा, 3D फोटोज वगैरह हो जाएंगी। और आपको इनमें से कुछ भी नहीं करना, शरीर को कष्ट दो, पैदल जाओ, वहां से 3 किलोमीटर है, वहां पे जाओ, एंजॉय करो। ये आइलूजन है, जिसे हम आंखों का धोखा भी कह सकते हैं। अगर आइलूजन ऐप से आप वीडियो लेंगे तो आप खुद अपने आप को इनके अंदर फील करेंगे। साहिल भैया ने भाई चैलेंज कर दिया है, जिसमें 2 मिनट इनको लटकना है। ये टाइमर हो चुका चालू, इनमें से एक गिफ्ट भैया को मिलेगा, और 2 मिनट का टाइम और 100 रुपये फीस। होना था वो हो चुका है, 1 मिनट भी नहीं हो पाया भैया मैंने, लेकिन नाइस एफर्ट, नाइस भैया, वेल डन। ये चैलेंज मत करना, क्योंकि 1 मिनट के बाद आपकी बॉडी में कुछ ऐसा करंट लगता है, इनके मेटल से कुछ ऐसी वाइब्रेशन आती है जिससे आपको फील होगा और आपका हाथ छूट जाएगा। ये है भाई रोपवे का, और ये है कंट्रोल रूम, वेटिंग कर रहे हैं बहुत सारे, और हमारा नंबर के बराबर कैसा हलमा होगा वो आ गया, सिस्टम रोपवे का सिस्टम आ गया। एक क्यों अपने घर तक उड़ते लगाऊंगा बस स्टैंड पे, इसमें घूमे हुए बहुत अच्छा लगेगा। एरोप्लेन है ये, आपको डर लग रहा है, आपको डर लग रहा है। और भाई साहब क्या व्यू आ रहा है, तगड़ा। तो भाई मंदिर आ गए हैं, और बाहर है हमारे भोले बाबा, जहाँ से आप जल ले सकते हैं अभिषेक के लिए। कर ले जल्दी कर। और अंदर क्या है मामा, सफेद चूहे कहाँ है, और आपको अंदर आते ही मिलेंगे भाई सफेद चूहे, जो होते हैं गणेश भगवान का रूप। हेलो, अबे ये कौन सी भाषा बोल रहा है भाई, ओवर द टॉप, और फुल व्यू आ रहा है, मतलब पूरा उदयपुर दिख रहा है यहाँ से, देख लो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बस इतनी सी दिख रही हैं, कीड़े मकोड़े की टाइप में, देख लो पूरा व्यू, पूरा उदयपुर दिख रहा है। ये भाई करणी माता का मंदिर, जोर दी बोलो जय माता दी। तो इसके अंदर गिरनी चाहिए, गिर के बाहर आती तो भी चलेगा। चल टच कहाँ पर होनी चाहिए, बहुत बड़ी, नीचे गिरने आराम से, चलो बर्बाद हो गए पैसे, इतना पैसा है मेरे पास कि गिनते गिनते थूक खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। अब आए भाई पिचोला लेक, और यहाँ पे आपको मेनली यही है बस, ये आपको व्यू मिल जाएगा देखने लायक, सनसेट में आओ फोटो मिलेगी जबरदस्त। यहाँ कैसे जाएं पता नहीं, जाने देंगे यानी, बाल देखो उसके चचा के चूंडा बना रहा पूरा। पिचोला झील उदयपुर के पश्चिम में पिछोली गांव के निकट, इस झील का निर्माण राणा लक्खा के काल में पींच चिड़ी मार बंजारे ने करवाया। महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने इस शहर की खोज के बाद इस झील का विस्तार करवाया था। इस झील में 2 द्वीप हैं, दोनों पर महल बने हुए हैं। एक है जग निवास, जो कि अब लेक पैलेस होटल बन गया है, दूसरा है जग मंदिर उदयपुर। इस झील को मीठे पानी की झील भी बोला जाता है। इस झील पर 4 द्वीप हैं, जग निवास जिसे लेक पैलेस के नाम से जाना जाता है, दूसरा जग मंदिर, तीसरा
मोहन मंदिर जहां से राजा गणगौर उत्सव देखते थे। चौथा अरसी विलास, यह एक छोटा सा महल है। और यहां भाई आप बोटिंग भी कर सकते हो, जो लग्जरियस बोट है 10% की, वो भाई 360 रुपये पर पर्सन, जिसमें 30 बंदे बैठ सकते हैं बोट में, उसके 180 रुपये पर पर्सन। पिचोला झील के बाद भाई बिल्कुल आपके सामने दिखेगा दुध तलाई, यहाँ पे भाई रानी नहाती थी, रानियों के लिए बनवाया गया था। वहाँ पे आप फोटो वगैरह भी ले सकते हो, मेनली जो मतलब राजा महाराजा थे ना, तो उसी टाइप का महल टाइप में बना रखा है। अब तो बिल्कुल नया हो रखा है, ये पूरी रेनोवेशन हो रखी है, पूरा प्लास्टिक कचरा सब गिरा रखा है। शर्म करो, भगवान से डरो। दुध तलाई झील, जो कि एक झील है जिसे हम छोटा तालाब भी कह सकते हैं, यह महाराणा फतेह सिंह के निवास स्थान शिव पैलेस और पिछोला झील के आमने सामने है। इस झील को हम दुध तलाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके चारों तरफ सफेद कलर के पत्थर लगे हुए हैं, जिसकी परछाई झील पर गिरने के बाद सफेद दूध जैसा लगता है। और हमारे भाई जो मेन थे, जो एक ही मतलब वहाँ पे हैं, करणी माता मंदिर, दुध तलाई और पिचोला झील, वो हमारे हो गए हैं कंप्लीट। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब योर चैनल वेदी व्लॉग्स। राधे राधे, जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना ठीक।